Good morning, 12 commerce and 12 science students. Welcome back to the English lecture. I hope you all are safe at home and trying to revise the chapters thoroughly. These all chapters are of English part 1, Flamingo and Vista. Right now, till now, we have done Flamingo and 2 units of Vista. Now, again, I am moving to Vista, which is chapter number 3, and Return by Tishani Toshi, Journey to the End of the Earth. Naam se interesting lag raha hai na, Journey to the End of the Earth. Earth ka jo end hai, wahan tak ki journey. Earth ka jo end hai, wahan tak ki journey. Tishani Toshi, Antarctica voyage, ya to journey karne gayi thi, unhone apna khud ka experience jo hai, एंटार्क्टिका आपने सुना होगा सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है ड्राइस्ट कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडीएस्ट राइट ये कॉन्टिनेंट है उसकी जो जर्नी है तिशानी दोषी ने खुद एक्सपीरियंस की थी और उन्होंने अपने ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है और हमें उस पर्टिकुलर स्थिति से जो है बहुत करीब एंटार्क्टिका का एहसास कराने की कोशिश की है तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इट इज काइंड ऑफ अ नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव चैप्टर सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे तिशानी दोषी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ राइटर तिशानी दोषी ने बोर्ड किया रशियन रिसर्च वेसल बड़ा सा शिप होता है उसको वेसल बोला जाता है रिसर्च करने के लिए रशियन गवर्नमेंट या काफी गवर्नमेंट्स के पास जो है परमिशन होनी चाहिए कि एंटार्क्टिका में जाके रिसर्च करना है राइट तो रशियन गवर्नमेंट के पास रिसर्च का परमिशन है वहां के साइंटिस्ट जो है शिप बोर्ड करके जाते हैं और वेसल का नाम था अकादेमिक शुकाल्स्की क्या था अकादेमिक शुकाल्स्की टू रीच एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका पहुंचने के लिए ये वेसल में उन्होंने बोर्ड किया यानी उसमें बैठ गए सबसे ठंडा सबसे ड्राई और सबसे विंडी जो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का उसके लिए उन्होंने जर्नी शुरू कर दी शी बिगेन हर जर्नी फ्रॉम चेन्नई चेन्नई मद्रास से उनकी जर्नी शुरू हुई थी एंड पास थ्रू 9 टाइम जोन्स 9 टाइम जोन के थ्रू वो लोग पास हुए 9 टाइम जोन्स 6 चेक पॉइंट्स 6 चेक पॉइंट की वहां पे 6 चेक पॉइंट में उन्हें सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ा 3 बॉडीज ऑफ वाटर 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फियर्स अलग अलग इकोस्फियर्स टू भी वो पास हुए उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था ऑन सेटिंग फुट देयर वाज अ रिलीफ एक शांति मिली और डीप वंडर बहुत बहुत शानदार लग रहा था अंदर से ऐसा लग रहा था कितनी शानदार जगह पे हम लोग आ चुके हैं उस को देख के उन्हें ऐसा लगा और सोचने लगे और बहुत ही ज्यादा शानदार लगने लगा कि इंडिया और एंटार्क्टिका विथ ऑल इट्स आइस उसकी जितनी भी आइस है वर पार्ट ऑफ सेम लैंड मास एक ही धरती के टुकड़े है कितना अच्छा लगता है सोच के एंटार्क्टिका और इंडिया एक ही धरती के लैंड मास है इतना सोच के बढ़िया लगा उनको फिर पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है उसमें 650 मिलियन ईयर्स इसकी एक हिस्ट्री है इतिहास है कि 650 मिलियन ईयर जब ह्यूमन नहीं पैदा हुए थे उसके पहले की बात है ह्यूमन इवोल्यूशन के पहले एक ट्रॉपिकल लैंडमास था एंटार्क्टिका एक ट्रॉपिकल लैंडमास था जिसे गोंडवाना लैंड बोला जाता था क्या बोला जाता था गोंडवाना लैंड जो 500 मिलियन ईयर्स अगो था कितने 500 मिलियन ईयर्स अगो एट दैट टाइम द क्लाइमेट वॉज मच वार्म उस समय पे काफी गर्म था जो वातावरण था काफी गर्म था और काफी तरह की पेड़ पौधे और जो है फ्लोरा फौना यानी एनिमल्स फ्लावर्स प्लांट्स ये सब बहुत सारा था उस समय पे आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनोसर्स डायनोसर धरती पे जब खत्म हो गए कंप्लीटली एंड द एंट्री ऑफ एज ऑफ मैमल्स फिर मैमल्स आए मैमल्स कौन होते हैं जो धरती पे जो यानी लैंड पे भी रह सकते हैं और अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं द लैंडमास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट तो लैंडमास को जबरदस्ती सेपरेट होना पड़ा इनटू कंट्रीज फिर पहले एक ही था
पहले जब डायनासोर थे उस समय पे एक ही था, पर धीरे धीरे जब मैमल्स आने लगे और धीरे धीरे लैंडमास क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा और एक ग्लोब बन गया। क्या बन गया? एक ग्लोब बन गया जो आज हम देख रहे हैं। इट इज माइंड बॉगलिंग, दिमाग जो है हिल जाता है, माइंड बॉगलिंग यानी दिमाग हिल जाता है सोच के, इमेजिन करके, एक विचार करके। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया पूरा नॉर्थ की तरफ पुश हो गया एंड जामिंग अगेंस्ट एशिया, और अटक गया कहां पे? एशिया पे अटक गया। एंड देन इट्स क्रस्ट बकल्स एंड फॉर्म द हिमालयस, और अचानक से पूरा क्रस्ट खड़ा हो गया और बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया और पूरी हिमालयन रेंजेस खड़ी हो गई। राइट, ऑल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही मुश्किल है समझना साउथ अमेरिका कैसे ड्रिफ्ट हुआ, कैसे हट गया एंड ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और अचानक से नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गया। ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज, एक पैसेज, ड्रेक पैसेज ओपन कर दिया उसने अपने लिए टू क्रिएट अ कोल्ड सर्क्यूम पोलर करंट। एक सर्क्यूम पोलर करंट जो है ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हो, वो क्या है इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर एक सर्क्यूम पोलर करंट पूरा क्रिएट हो गया और वो आज भी एंटार्क्टिका को फ्रिजिड स्टेट में रखता है। उस समय में वार्म था पर अब माइनस डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज्यादा ठंडी, गर्म डायनासोर के पहले और अब बहुत ही ज्यादा ठंडा, जहां सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। द राइटर सेड दैट, राइटर क्या बोलती है, दैट एंटार्क्टिका इज नॉट इजी फॉर द सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते वहां पे, हमारे सर्कुलेटरी जो श्वास लेने की क्षमता होती है उसमें वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और मेटाबॉलिक फंक्शन यानी हमारे नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं बॉडी के वो भी वहां सर्वाइव नहीं हो सकते ह्यूमन बॉडी के। ब्लू वेल्स है वहां पे, आइसबर्ग्स है, इतने बड़े आइसबर्ग्स है कि जैसे पूरा एक देश है उतने बड़े आइसबर्ग्स है वहां। राइट, लार्जेस्ट रिकॉर्डेड कितना है? बेल्जियम की साइज का, बेल्जियम कंट्री है उसकी साइज का एक बड़ा आइसबर्ग है। With the collapsing ice sheets, और धीरे धीरे ice sheets जो है वो वर्ल्ड के पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे टूट रही है। One can guess that all is not good for humans on the earth. इससे क्या पता चल रहा है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब चीजें जो धरती पे होती है वो ह्यूमन्स के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अब ये हिस्ट्री की बात, अब ह्यूमन पे इसका असर क्या रहा है, ह्यूमन पे इंपैक्ट क्या हो रहा है, असर क्या हो रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड कितने साल हो गए, 12,000 साल हो गए, ज्यादा नहीं हो, सिर्फ 12,000 साल से ह्यूमन्स है धरती पे, बट दे हैव डोमिनेटेड नेचर, और नेचर के ऊपर उन्होंने डोमिनेट करने का, दबदबा करने का कोशिश किया है कि भाई कुदरत तो हमारा है, हम कुदरत के हिसाब से नहीं चलेंगे, कुदरत हमारे हिसाब से चलेगा, ऐसी कोशिश करते हैं। और अपने लिए, खुद के लिए ऐसा ही फ्यूचर बनाया है जो डिप्रेसिंग है, तनाव भरा है, अपने हरकतों से उन्होंने अपना फ्यूचर तनाव भरा बना दिया है। हमने, ह्यूमंस ने हमारे फ्यूचर को तनाव भरा बना दिया है। ह्यूमन बींग्स आर लेफ्ट बैटलिंग, वो एक दूसरे का बैटल करने में विद अदर स्पीसीज फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरे स्पीसीज के साथ हम लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती पे जो रिसोर्सेज है, उपयोगी चीजें है, वो लिमिटेड है। द एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हद से ज्यादा जलाया जाता है, उससे क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के लिए अच्छा नहीं होता है, और उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की आड़ में ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉरेस्ट को, और बहुत सारे एनिमल्स उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं कंप्लीटली। इवन एन अनइनहैबिटेड लैंड लाइक एंटार्क्टिका, ऐसी जगह जो अनइनहैबिटेड है, वहां पे ज्यादा जंगली जीवन नहीं है, ज्यादा प्राणी नहीं है, ऐसी जगह एंटार्क्टिका, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके भी ग्लेशियर्स जो है टूट रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, उसकी भी ऐसी हालत हो रही है ह्यूमंस की हरकतों की वजह से। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ कैनेडियन एडवेंचर, स्टूडेंट्स ऑन आइस करके एक प्रोग्राम है जो इनिशिएटिव किसने स्टेप लिया है, कैनेडियन एडवेंचर एजुकेटर, कैनेडियन एजुकेटर है और जो एडवेंचरर है जी ऑफ ग्रीन, जो स्टूडेंट्स को ले जाते हैं एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन यानी समथिंग विच इज नॉलेजेबल, जहां कुछ रिसर्च करने मिलता है,
राइट एंटार्क्टिका ले जाते हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देते हैं, राइट पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी देते हैं, विच विल हेल्प देम टू फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे उनके जहन में कुछ नया अंडरस्टैंडिंग समझ आए और वो रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे इस प्लेनेट अर्थ का, उसको बचाने की कोशिश करे. एक्चुअली गॉट टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग फॉर 6 years, 6 साल तक उन्होंने ऑपरेट किया और वो थक गए. इस प्रोग्राम के द्वारा वो जागरूकता लाने की कोशिश करते थे एज दे वुड बी द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि ये बच्चे जो है वो फ्यूचर की अर्थ की पॉलिसीज बनाएंगे. लेकिन लर्न टू एब्सॉर्ब, स्वीकार करने की कोशिश, एब्सॉर्ब करे राइट चीजों को, समझने की कोशिश करे और सीखने की कोशिश करे और फिर उस पर अमल करे. तो अच्छी चीजें सीखे, अच्छी चीजें अमल करे, वो बहुत जरूरी होता है. तो प्रोग्राम इज सक्सेसफुल, प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल है, काफी हद तक बहुत बढ़िया रहा है. बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, साउथ पोल के पास जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और उसका असर अगर मुश्किल है, अगर पर चले गए तो उससे आप अफेक्ट नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता. उसकी असर आपके ऊपर नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है. इट इज ईजी टू बी अनमूव, वहां जाके आप मूव नहीं हो जाओ, ऐसे आपके दिमाग में झटका ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ अवर होम, उसके जो आइसबर्ग है वो मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट पे मेल्ट हो रहे टेम्परेचर की वजह से, और आप सुकून पे घर पे बैठोगे, वैसा असंभव है, वैसा कंप्लीटली असंभव है. बट व्हेन वी सी ग्लेशियर्स, और जब हम ग्लेशियर्स देखते, बड़े बड़े आइस के टुकड़े देखते हैं रिट्रीटिंग, खत्म होते हुए, एंड आइस शेल्फ कोलैप्सिंग, और आइस के बड़े बड़े जो टुकड़े है वो टूट टूट के गिर रहे हैं, वी नो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल. तब हमें पता चलता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का कितना देश पे नहीं, पूरे विश्व पे, पूरी धरती पे, धरती के एक कोने पे कितना असर हुआ है. जो एंटार्क्टिका की स्टडी है हमें क्या दिखाती है कि छोटे छोटे चेंजेस जो एनवायरमेंट में होते हैं उसकी वजह से कितनी ज्यादा असर होती है. रिवर्स असर बहुत ज्यादा होती है, रिपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आते हैं. द माइक्रोस्कोपिक फिटोप्लैंक्टन ग्रासेस, राइट माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन ग्रासेस, ये एक तरह के ग्रासेस है ऑफ द सी नरिश, वो उगने की कोशिश करते और बचने की कोशिश करते. एंटायर सदर्न ओशन की फूड चेन है वो पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन का जरिया है. क्या? फाइटोप्लैंक्टन ग्रासेस, दिस सिंगल सेल प्लांट्स, ये प्लांट्स में सिंगल सेल होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, सिंगल सेल होता है. वो सन की एनर्जी का उपयोग करते हैं टू एसिमिलेट कार्बन, कार्बन एब्सॉर्ब करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. अगर ज्यादा डिप्लीशन हुआ, ज्यादा बर्बादी हुई ओजोन लेयर में, तो इससे ये फाइटोप्लैंक्टन में असर होगा. एंड लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स, और इससे सब जो दरिये में, ओशंस में जो एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं रीजन में, और ग्लोबल कार्बन साइकिल पे पूरा असर हो जाएगा, पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल पे असर हो जाएगा. सो द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन नीड्स टू बी टेकन केयर, सो ये ग्रास का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, राइट एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, राइट तो आप ये सब चीजें करते हो जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, वो कार्बन को बचाता है ये ग्रास. इस ग्रास को हम नहीं बचाएंगे तो पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. तो ये हमें सीखने की जरूरत है. वॉक ऑन द ओशन बिफोर देयर रिटर्न ऑफ 65.55 डिग्री साउथ, वो रिटर्न कर रहे थे साउथ दिशा से 65.55 डिग्री से. द राइटर फाउंड दैट देयर शिप Shokalski had managed to wedge into a thick white stretch of ice. वो आइस के एक बर्ग के पास रुकी हुई थी. Peninsula, the Peninsula and the Tadpole Island. कौन सा island था वहां पे? Peninsula and Tadpole Island. The captain gave them a chance to walk on the ocean. क्या बढ़िया मौका दिया उनको, ocean पे चलने का मौका दिया.
This made her realize that she was walking on 180 meters of ocean water. उसको realize हुआ पूरा ice बन चुका था, पर ईशानी कोशी को realize हुआ कि मैं 180 मीटर के ocean water पे चल रही हूँ. Rich marine life, पूरे नीचे rich, बहुत ही ज्यादा बढ़िया marine life है, बढ़िया ocean की life है. When she reached home, जब वो घर पहुंची तो वंडर कर रही थी कि एंटार्क्टिका कभी भी वापस गर्म होगा, एंड हाउ मच डिफरेंस अ मिलियन इयर्स कुड मेक, और लाखों साल कितना डिफरेंस कर सकते हर दिन पे, और उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है, कितनी तब्दीलियां आ सकती है. शी वॉज हैप्पी टू स्पेंड टाइम, उसने टीनेजर्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया, जवान बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया, उसमें उसे बहुत अच्छा लगा. और आज भी उनके पास आइडियाज है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए. तो आप भी एज अ ह्यूमंस अगर कुछ कर सकते हो, एज अ यंग सिटीजंस ये वर्ल्ड के कुछ कर सकते हो और इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग के श्राप से बचा सकते हो, तो प्लीज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दीजिए. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत अच्छी तरह से इस नेचर को सरवाइव करने की कोशिश कीजिए. ये तो एक दिन ह्यूमैनिटी, ये फ्लोरा ये फौना सब खत्म हो जाए और धरती बर्बाद हो जाएगी, सब चीज एक्सटिंक्शन हो जाएगा. जैसे डायनासोर खत्म हो गए, हम भी एक दिन बर्बाद हो जाएंगे. तो इस धरती ने हमें जन्म दिया है और उस धरती को संभालना हमारा फर्ज है, ये समझाने की ये चैप्टर कोशिश कर रहा है. तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, बढ़िया तरीके से इस मैसेज को समझने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच. बी सेफ एट होम एंड टेक केयर.